हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। आपके सामने खुला हुआ है बैंक निफ्टी का चार्ट और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मोटिवेशनल मिलता है आपके लाइक सब्सक्राइब करने से। बाकी मैंने आज चैनल पर दो स्टॉक के एनालिसिस वीडियो दिए थे, शॉर्ट वीडियो दिए थे। आई होप उसमें आप लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि टारगेट अचीव हुए हैं जो कि मैंने बोला था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखती देखें ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता दूं कि देखिए एक ट्रेंड लाइन सी बनी आ रही है। अगर इसमें अपसाइड की मूवमेंट होगी तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद एक रिटेस्ट करके अगर ये अपसाइड की तरफ जाएगा तो ही अपसाइड की मूवमेंट होगी और टारगेट होगा 33,770 के आसपास का टारगेट हो सकता है इसमें। लेकिन इतना अच्छा टारगेट के लिए आपको इसको एक बार वेट करना पड़ेगा रिटेस्ट के लिए, और डाउन साइड में इसमें जाने के लिए तकरीबन ये काफी इतना बड़ा गैप है, मैं आपको दिखा दूं, तकरीबन इतना बड़ा गैप है इसमें, 170 पॉइंट गैप है। अगर डाउन साइड में अच्छी खासी मूवमेंट चाहिए तो इतना ये गैप इसको फिल करना पड़ेगा। गैप के बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगी। कंडीशन अप्लाई करती है कल एक्सपायरी है, मार्केट कहाँ खुलता है, थोड़ा अपसाइड में खुलता है, इसके रेजिस्टेंस के आसपास खुलता है, हो सकता है नीचे की साइड चले जाए, हो सकता है तोड़ दे अगर एक बार में पहली बार में ही, तो आप वेट कीजिएगा, हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए। डाउन साइड में खुलता है अगर इसी सपोर्ट के आसपास खुलता है और कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो आप बाई साइड में जा सकते हैं। आपका टारगेट होगा 33,300, मतलब आज की क्लोजिंग का टारगेट आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद अगर इसको निकालता है तो आपका टारगेट होगा 33,500 के आसपास का। और अगर यहाँ पर थोड़ा 2-4-5 मिनट है ना सस्टेन करके डाउन साइड की तरफ निकालता है तो आप डाउन साइड में डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का एनालिसिस बता रहा हूँ आपको। और अगर सेम रेंज में खुलता है तो सस्टेन करेगा और जिस साइड को जाता है तो आप उस साइड की कॉल या पुट बाई कर सकते हैं, या फिर पहले ही बुलिश मोमेंटम दिखाता है तो हो सकता है रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, और पहले ही डाउन मोमेंट दिखा देता है तो हो सकता है सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आ जाए। बैंक निफ्टी का एनालिसिस बता रहा हूँ मैं, इस हिसाब से आप इसमें बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको चल लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का चार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए निफ्टी का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है आजकल। देखिए निफ्टी ना अपने बिल्कुल सपोर्ट के पास है ना आके क्लोजिंग दिया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, पहले इसने यहाँ पे इसको रीटेस्ट किया था एक बार, फिर यहाँ पे एक बार टेस्ट करा, मतलब टेस्ट ये काफ़ी बार कर चुका है। अगर कल ये गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर ये टाइम स्पेंड करता है, अगर ये यहाँ पे खुल के कहीं टाइम स्पेंड करके और फिर नीचे की तरफ जाता है तो ये इसको तोड़ देगा और नीचे अच्छी खासा डाउन साइड की मूवमेंट मिल जाएगी आपको, है ना। और अगर ये यहाँ से अपसाइड की ओर जाता है तो ये यहाँ पे 100% सब रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। अगर इसको भी निकाल देगा तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करेगा, मतलब दो रेजिस्टेंस है। अगर इसको निकालता है पहली मूवमेंट में अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल बनती है, 5 मिनट की कोई बुलिश कैंडल बने तब तब उसके बाद आप यहाँ तक के लिए इसकी कॉल बाई कर सकते हैं या फिर आप फ्यूचर बाई कर सकते हैं। ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर 110% नीचे ही आना है, ये ऊपर नहीं जाएगा। और अगर डाउन अगर यहाँ से खुल के यहाँ पे कहीं खुल के है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर अपसाइड की मूवमेंट देता है तो और नीचे आता है तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, क्योंकि फिर एक बार में नहीं तोड़ेगा, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा फिर दोबारा आएगा फिर तोड़ेगा, क्योंकि एक बार में नहीं तोड़ेगा ये। अगर कल ओपनिंग होता है यहाँ कहीं इस रेंज के आसपास, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 110% फिर ये काम जो होगा ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, फिर ये जो लेवल है ये इसका रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, फिर यहाँ पे मार्केट अपसाइड की मूवमेंट दिखाएगा, थोड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर हो सकता है नीचे की तरफ चला जाए। गैप डाउन खुलने के चांसेस कम ही है, हो सकता है गैप अप ही खुले। तो निफ्टी में देखिए बहुत अच्छा लेवल है, ये बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ ट्रेड करना जरूर बनता है। कंडीशन अप्लाई करती है कल मार्केट खुलता कहाँ है और कल की ओपनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ कहीं खुलता है तो बहुत अच्छी ट्रेड मिलने वाली है हम लोगों को कल, एक्सपायरी भी है, मूवमेंट भी अच्छा मिलेगा। और जैसा कि मैं कल सोच रहा था, जैसे मैं वीडियो तो बना नहीं पाया लेकिन कल मैं 110% यही सोचा था कि मार्केट यहीं कहीं क्लोजिंग दे, इसी रेंज में रहे। इस रेंज में रहने से फायदा यह था कि इसका ब्रेकआउट बहुत अच्छा मिलेगा, ब्रेक डाउन का ब्रेकआउट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो देखिए चांसेस यही है कि मार्केट इसका कल ब्रेक डाउन बहुत अच्छा देगा। देखिए ये लेवल है जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, ये लेवल है, इसके नीचे जाते ही आप इसको शॉर्ट करके बैठ जाइए आराम से, है ना। फिर इसमें कल बहुत अच्छी रेड कैंडल बनने वाली है। थोड़ा नेक बैंक निफ्टी का नेक बैंक निफ्टी की तरफ से बस नेक थोड़ी कमजोरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी का ब्रेक आउट बहुत दूर है अभी, बहुत बहुत अच्छा लेवल है यहाँ पे। अगर ये यहीं कहीं खुल जाए, यहाँ कहीं खुल जाए और फिर उसके बाद थोड़ा सस्टेन करके डाउन देता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी डाउन साइड मूवमेंट दिखा दे, है ना। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का अपना एनालिसिस आज का।
बहुत सिंपल एनालिसिस करता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करता हूँ, आपको सीधा लेवल बता दिया कैसे क्या हो सकता है, ज़्यादा लॉजिक और दिमाग खराब नहीं करता मैं किसी का, आपको बता दिया यहाँ खुलेगा सस्टेन करेगा सपोर्ट एरा कि कौन क्या कर रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, सपोर्ट एरा, सपोर्ट एरा यहाँ से ऊपर जाएगा अगर कोई बुलिश करने मिलती है तो, रेजिस्टेंस एरा बियरिश करने मिलती है तो यहाँ से नीचे जाएगा, सिंपल बात है। अब चलते हैं उन दो चार्ट की तरफ जो मैंने आपको दोपहर में शॉर्ट वीडियो में बताए थे। सबसे पहला मैं आपको दिखाऊं जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वो था आई थिंक ये था, हाँ स्कॉट्स था जिसमें मैंने आपको ट्रेड दिखाई थी, लाइव ट्रेड चल रही थी मेरी, मैं ट्रेवल कर रहा था, तो यहाँ पे कहीं मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे कहीं मेरा आइडिया ये था कि यहाँ पे इसने ये बियरिश कैंडल बनाई थी तो मुझे लग रहा था यहाँ से अभी डाउनसाइड की मूवमेंट दे देगा, लेकिन नहीं हुआ, यहाँ पे कहीं इसने सपोर्ट फेस किया और सपोर्ट फेस करके एक अपसाइड की अच्छी खासी मूवमेंट दे दी, और फिर वहाँ से देखिए यहाँ पे है ना एक रेजिस्टेंस था, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस था तकरीबन, तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ गया, फिर डाउनसाइड गया, कोई बात नहीं, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हो गया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया, 400 रुपये का मेरा तकरीबन लॉस हुआ इसमें, मेरा 4 रुपये का स्टॉप लॉस था। अब चलते हैं टाटा, दूसरा कौन था, कम्युनिकेशन की हो, देखिए टाटा कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पर कंसोल करके डाउनसाइड मूवमेंट दी है, अच्छा खासा यहाँ पे एक पॉइंट मिले थे, अगर कोई देख रहा होगा इस वक्त तो इसमें मिलेंगे आपको 7 रुपये इस वक्त मिल गए, है ना 7 रुपये इस वक्त मिल गए, और वहाँ यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ली थी, मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ले रखी है, क्वान्टिटी मैंने 100 क्वान्टिटी सेल की है इसकी भी, तो और मेरा टारगेट था इसका हाई 7 रुपये का हाई, तो देखिए इसमें मुझे टारगेट कितना मिला, 7 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस था इसमें, इस कैंडल का बिल्कुल हाई मेरा स्टॉप लॉस था, तो डबल टारगेट होना चाहिए कायदे में, लेकिन फिर भी मैं 10 का लेकर चल रहा था, 1:1 और 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर चल रहा था, लेकिन मैं ड्राइव कर रहा था तो इस वजह से मुझे टारगेट थोड़ा बड़ा मिल गया। देखिए यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया फिर इसको, और कंटिन्यू मुझे 92 से 92 पर मैंने शॉर्ट किया था, सॉरी मैं इसको लगा लेता हूँ, 92 पर मैंने इसे शॉर्ट किया था तकरीबन, 92 का है, हाँ बिल्कुल 92 से ही मैंने शॉर्ट किया था करेक्ट, तो 92 से मैंने तकरीबन तकरीबन इसको यहाँ पे शॉर्ट किया था, यहाँ इस वाली कैंडल पे 1:2 का टारगेट मुझे इसमें मिला, आपको मैंने बताया था 7 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है, और 1:2 14 का मुझे इसमें टारगेट मिला, 3 कैंडल ने मेरा टारगेट पूरा कर दिया, लेकिन थोड़ा वेट कराया इसने, कोई टेंशन नहीं, उसमें मेरा 400 रुपये का लॉस हुआ, इसमें मेरा 1400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपये इसमें बचे मुझे तकरीबन, और बाकी मैंने आपको ट्रेड दिखा दी थी दिन में मैं कितने प्रॉफिट में था, निफ्टी का जो मैंने एना ट्रेड ली थी उसमें मैं तकरीबन 1100 रुपये प्लस में, तकरीबन 2200 रुपये के आसपास, 1100 से 2100 रुपये के आसपास मुझे इसमें प्रॉफिट रहा आज के दिन में, है ना। बाकी मैं आपको निफ्टी में अपना बता देता हूँ, निफ्टी में मैंने ट्रेड कहाँ ली थी, मुझे कहाँ लगा था, मैंने एक मॉर्निंग में ट्रेड जो ली थी, मतलब मॉर्निंग में नहीं चलते वक्त ही जो मैंने ट्रेड ली थी सॉरी, तो मैंने आई थिंक ये रहा शायद, हाँ ये रहा, मैंने यहाँ पे बस कुछ पॉइंट कैप्चर किए थे, ये पॉइंट मैंने कैप्चर किए थे, ये बस इतने पॉइंट मैंने कैप्चर किए थे दिहाई तक के, 26 पॉइंट में मेरा इतना प्रॉफिट हो गया था, अच्छा खासा यह मूवमेंट आ गया था, तो ये था मेरा आज का प्रॉफिट और आज का एनालिसिस कल के लिए कि कल मार्केट कहाँ जाएगा क्या कर सकता है, ये मैंने आपको बता दिया और बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैं ट्रेड करूँगा, पूरा दिन मैं ट्रेड के लिए बचा कर रखा हूँ, तो आप लोग है ना शॉर्ट वीडियो पर ध्यान रखना, मैं लाइव ट्रेड करूँगा और लाइव है ना एनालिसिस करके डालता रहूँगा कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट नहीं है, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक्सपायरी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है मार्केट घूम रहा है इस वक्त, तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा एनालिसिस तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सिंपल एंड शॉर्ट बताता हूँ मैं आप लोगों को, बाकी बहुत जल्दी मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी ओपन करने वाला हूँ, टाइम मिलते ही कर दूंगा मैं, और उस पर आपको लाइव ट्रेड के मैं मैसेज डाल दिया करूँगा जिससे आपको और आसानी हो जाएगी ट्रेड लेने में, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।